नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर शरद देशकर। मैं नागपुर सिटी में रहता हूं और एटोमी इंडिया में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूं। आज हम एक वीडियो के माध्यम से समझने वाले कि हीमोहीम, कैंसर, कायरी, इनका क्या रिलेशंस है, ठीक है। और ये वीडियो मैंने नहीं बनाया हूँ, एक साइंटिस्ट है कायरी के, उन्होंने बताया हुआ है कि उन्होंने हीमोहीम का रिसर्च कैसे किया और हीमोहीम का रिसर्च करके उसके ऊपर उन्होंने जो एनिमल्स यानी चूहों के ऊपर में उन्होंने जब उसका एक्सपेरिमेंट किया तो उसके क्या रिजल्ट्स आए, ठीक है। ये आपको देखने मिलेगा इस वीडियो के अंदर में। तो इस वीडियो के अंदर में सिर्फ फोटोग्राफी पूरी यानी जो वीडियो है वो उन्हीं का है। वो एक्चुअली वीडियो कोरियन लैंग्वेज में था और कुछ लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज में भी डब किया था, लेकिन मैंने उसको हिंदी लैंग्वेज में डब किया हूँ ताकि हमारे देश के लोगों को समझ पाए, हम लोग समझ पाए उस चीज़ को, उस वीडियो में क्या कहा गया, इसलिए मैंने हिंदी में बनाने की कोशिश किया हूँ। तो देखते हैं वीडियो। अंतिम स्तर के कैंसर में परफेक्ट क्योर होने का रेट सिर्फ 20% होता है। 21वीं सदी का उन्नत चिकित्सा विज्ञान भी कैंसर को लाइलाज मानता है। इस असाध्य रोग या लाइलाज रोग के लिए आज का उन्नत साइंस नए तरीके खोज रहा है। प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करके इसको ठीक कैसा किया जाए, इसमें हमारा पहला इंटरेस्ट पैदा हुआ। इसमें इम्यूनिटी रिसर्च टीम एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने लगातार उनके रिसर्च रिजल्ट दिखाए। हमारा चिकित्सा क्षेत्र को इम्यूनिटी ट्रीटमेंट को बिना किसी साइड इफेक्ट से कैसे किया जाए, इसमें चुनौतियां आ रही थी। अमुन जंग मोसेक ने इस मेडिकल चेंज को विस्तार से पहचाना या जाना। कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट डायोडोक रिसर्च कॉम्प्लेक्स में स्थित है। यह एक इकलौता डोमेस्टिक एटॉमिक एनर्जी सिंथेटिक एक्सपोर्ट इंस्टीट्यूशन है जिसमें नई दवाइयों का डेवलपमेंट होता है। यहाँ कैंसर ट्रीटमेंट के ऊपर साइंटिफिक रिसर्च किया गया जो अप टू डेट है एडवांस टेक्नोलॉजी पावर के साथ। डॉक्टर जो जांग सांग जी पहले आदमी थे जिन्होंने रेडिएशन फूड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च टीम का नेतृत्व किया था। इस रिसर्च में इस सवाल का जवाब भी ढूंढा, कैसे हम कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। उन्होंने कई प्राकृतिक नेचुरल दवाई वाले पौधों का विश्लेषण करके वे इस निष्कर्ष पे पहुंचे थे। पहले 5 साल जानवरों के ऊपर प्रयोग करके ये देखा गया। कैंसर के ट्रीटमेंट में जनरली रेडिएशन एंटी कैंसर दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इम्यूनिटी मॉड्यूलेशन सिस्टम सेल्स डैमेज होते और साथ ही साथ रीजनरेशन टिश्यूज भी डैमेज होते। फॉर एग्जांपल जैसे बाल झड़ते, थकान होती है और खाना खाने में भी तकलीफ होती है बहुत से लोगों को। तो हमारी रिसर्च टीम ने मटेरियल ढूंढना चालू किया जिससे नॉर्मल टिश्यूज को प्रोटेक्ट किया जाए और रिकवरी को बढ़ाया जाए बिना कोई विषाक्त पदार्थ के। इस तरह का मटेरियल उन्होंने ढूंढना चालू किया। इन 5 सालों में बहुत सारी रिसर्च करने के बाद हमने पायोनिया जापोनिका मियाबे एंजेलिकम गिगास नाकाई सिनीडियम ऑफी नाले मकीनो इन वनस्पतियों में से एक्सट्रैक्ट करके इफेक्टिव कंपोनेंट्स निकाला गया और इन इफेक्टिव कंपोनेंट्स को मिलाकर हमने एक नया कॉम्प्लेक्स कंपोजिट बनाया। इस नए कॉम्प्लेक्स कंपोजिट में है द इफेक्ट ऑफ प्रमोटिंग इम्यूनिटी एंड हेमेटोजेनेसिस एंड द एंटी कैंसर इफेक्ट। और इसका यह फायदा देखा गया कि रेडिएशन से नॉर्मल टिश्यूज को प्रोटेक्ट करता है। मैं इसको डिटेल्स में एक्सप्लेन करता हूँ। इस एक चित्र आएगा आपके सामने, उस चित्र के माध्यम से मैं आपको इसके डिटेल्स बताता हूँ। ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट में आप देख सकते हैं नॉर्मल सेल पे रेडिएशन का क्या असर होता है। देखिए, अब अगर हम रेडिएशन ट्रीटमेंट देते हैं सेल्स को तो रेडिएशन नॉर्मल सेल्स पे जाता है और दूसरी फोटो में आप देख सकते हैं सेल कैसे डैमेज होता है और डीएनए कटकर पुष्पनुमा आकार में हो जाता है। उसके बाद अगर हमने जो रिसर्च किया वो मटेरियल देते तो आप देख सकते हैं तीसरे फोटो में डैमेज डीएनए सेल रिपेयर भी हो रहा है। थर्ड फोटो में आप देख पा रहे होंगे किस तरह से रिपेयर हो रहा है। इसके बाद और एक फोटो आपके सामने आएंगी, इसके अंदर मैं आपको एक क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा हूँ। इस चित्र में आप देख सकते हैं जब रेडिएशन दिया गया तो आप देख सकते हैं रीजनरेटिंग टिश्यू काफ़ी मर रहे थे। आप देख पा रहे होंगे इसमें रीजनरेटिंग टिश्यू काफ़ी मर रहे थे, परंतु अगर आप पहले हमारा डेवलप किया हुआ प्रोडक्ट पहले देते और फिर रेडिएशन देते तो देख सकते रीजनरेटिंग टिश्यू बहुत ज़्यादा सर्वाइव।
यह हमारे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है जो हमने एग्जीक्यूट किया था फॉर टेस्ट द इफेक्ट ऑफ प्रोजेक्टिंग द हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स। जब रेडिएशन दिया जाता है तब हेमोटोपोएटिक स्टेम सेल्स सर्वाइव एंड रीजनरेट होते हैं। इसके तुलना में हमारा डेवलप किया हुआ मटेरियल जब दिया जाता है तो हेमोपोएटिक स्टेम सेल मोर सर्वाइव कर। रिजल्ट के अनुसार आप देख सकते हैं हेमोपोएटिक स्टेम सेल अपना प्रचार का क्षेत्र बढ़ाते हैं। एनिमल पे किया गया हुआ एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बताता है हम इन्हांस कर सकते हैं एंटी कैंसर इफेक्ट इम्यूनिटी फंक्शन को एक्टिवेट करके, और उसको हमने ऑलरेडी खोज भी निकाला है हमारे देश के नेचुरल हर्ब मेडिसिन को यूज़ करके, इंक्लूडिंग अंजलिका गिगास नाकाई। इसके लिए प्राकृतिक नया परिसर भी बनाया गया था, जो पिछला जो नुस्खा था उससे ये अलग था। हमने कॉम्प्लेक्स कंपोजिट डेवलप किया, उसमें कैंसर सेल को कंट्रोल करने का इफेक्ट है। मैं आपको एक चित्र आएगा, आपको इस चित्र के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। अगर हम कैंसर सेल चूहों पे डालते तो वो धीरे धीरे मरने लगते और 20 दिन में पूरे चूहे मर जाते, पर इस बार हमने हमारा कॉम्प्लेक्स कंपोजिट इंसर्ट किया तो आप देख सकते तो चूहे ज़्यादा दिन जिंदा रहे। अगर मैं इसको ब्रीफ में बताऊँ तो कॉम्प्लेक्स कंपोजिट कैंसर सेल के एक्टिवेशन को इन्हांस करता है और वो कैंसर सेल्स को मारते। इस अभी एक चित्र और आएगा, इस चित्र में आप देख सकते एक्टिवेशन ऑफ पी सेल इन्हांस करके इस विस्तार को यहाँ आप देख सकते कैंसर हीलिंग पावर जिसको मैरोफेज सेल्स को बढ़ाते। अब आप देख सकते यह कॉम्प्लेक्स कंपोजिट इम्यून सेल को बढ़ाता है और कैंसर सेल्स को कंट्रोल करता है। इसीलिए हम कहते हैं हमारा कॉम्प्लेक्स कंपोजिट जो हमने बनाया हुआ है वो इम्यून सेल को हमारे शरीर में बढ़ाता है और आपको कैंसर सेल्स को कंट्रोल करने में मदद करेगा, या बात करें तो दूसरे शब्दों में आपको कैंसर से लड़ने में मदद करता है। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा होगा, आपको समझ में आया क्या कि आप क्या चीज़ बनाई है? कायरी साउथ कोरिया की जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है कोरिया एटॉमिक रिसर्च सेंटर या इंस्टीट्यूट हम बोले, उन्होंने एक ऐसी चीज़ बनाई है जो हमारे शरीर के अंदर में इम्यूनिटी बूस्ट करके और इम्यूनिटी बूस्ट करके कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करे। ये अगर कैंसर से रहे तो ये इम्यूनिटी सेल्स हमारे एन सेल्स बूस्ट हो रहे, बी सेल्स बूस्ट हो रहे, ठीक है, साथ में इनके सेल्स नेचुरल किलर सेल्स बूस्ट हो रहे और ये इसको ऐसे पकड़ के इसके ऊपर ऐसा अटैक कर रहे और इन कैंसर सेल्स को खा जा रहे। तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है हमारे लिए, जो कैंसर पेशेंट्स है नॉन कैंसर पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा, अगर जिंदगी भर उनको हेल्दी रहना है एज ए इम्यूनिटी बूस्टर करके आप इसको अपने जीवन में स्थान जरूर दीजिएगा। तो मेरे ख्याल से आप बहुत सारे पॉइंट्स जो आपके थे, एक दिमाग के अंदर में निगेटिव सोच थी कि नहीं सही में ये काम करता है क्या कैंसर पे, क्योंकि साइंटिस्ट ने बताया हुआ है, साइंटिस्ट झूठा नहीं बोल सकता ना दोस्तों। और साइंटिस्ट किसी भी देश का हो, हम आज जो बिजली घर में यूज़ कर रहे हैं क्या बिजली भारत के देश के साइंटिस्ट ने नहीं बनाई थी ना, किसी और ने बनाई थी, किसी और देश के साइंटिस्ट ने बनाई थी, लेकिन लाभ हर कोई ले रहा है। वैसे हमारे देश में कोई साइंटिस्ट ने कोई चीज़ बनाई हुई है तो उसका लाभ पूरी दुनिया को मिलता है। तो इसी तरह एक साइंटिस्ट ने चीज़ बनाई हुई है, उसका लाभ अगर पूरी दुनिया को मिल रहा है कैंसर से लड़ने के लिए, तो क्या कुछ बुरा है? फिर इसमें भारत का प्रोडक्ट नहीं है, मेड इन इंडिया नहीं है, मेड इन जापान है, मेड इन कोरिया है, मेड इन चाइना है, कहाँ का आ गया मेड इन चाइना, मेड इन कोरिया, मेड इन जापान? भाई साहब आप जो दवाई रोज़ खा रहे हो उसमें से बहुत सारी दवाइयाँ भी आपका MNC दवाई से, मल्टीनेशनल दवाई से, बाहर की कंपनी की दवाई से जो बाहर से आती है खा रहे हो ना आप, उस टाइम तो आप नहीं बोलते कि ये मेड इन इंडिया नहीं है करके। तो ये जान बचाने वाला प्रोडक्ट है और एक साइंटिस्ट की खोज है ये। तो इस प्रोडक्ट को अगर हम किसी को सजेस्ट करें, कोई लेता है, आप कैंसर पेशेंट्स को भी उसकी दवाई के साथ इसको रिकमेंडेशन कर सकते हैं इम्यूनिटी बूस्टर करके, बहुत सारी चीज़ों पे काम करता है, बहुत सारी। तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिए, किसी की जान बचाने में मदद कीजिए। धंधा करना अलग बात है, किसी की जान बचाना बहुत बड़ी चीज़ है, धंधा होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट तो रिकमेंड करो बॉस। आप प्रोडक्ट ही रिकमेंड नहीं कर रहे हो, आप खुद यूज़ करो ना, विश्वास करो ना, एक बार तो विश्वास करके यूज़ करो, आप रिजल्ट देखो। रिजल्ट देखने के बाद आपको समझ में आएगा ये प्रोडक्ट कितना पावरफुल है और कितना अच्छा प्रोडक्ट है। तो जैसे जैसे मेरा नंबर बोलूँगा, किसी को भी ये प्रोडक्ट चाहिए तो मुझसे कॉल करें, कॉन्टैक्ट करें, कैसे लेना है, क्या लेना है, क्या प्रोसीजर रहेगा, ये सब बताऊँगा। मेरा नंबर है 9325398926 और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मेरा व्हाट्सएप का लिंक है,
फेसबुक पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, मैसेंजर पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टा पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, जहां आपको सहूलियत लगे वहां आप कनेक्ट होइए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में।